और खबर अयोध्या से है, जहां रामलला के साथ अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था में अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की तैनाती होने जा रही है। एनएसजी की एक टुकड़ी 17 जुलाई को अयोध्या पहुंच रही है। राम जन्मभूमि के साथ अयोध्या के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेगी। रामलला के भव्य मंदिर बनने के बाद से ही अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त करने की तैयारी है। अयोध्या में 3,500 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं और इसके अलावा येलो जोन और नया घाट क्षेत्र में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कुछ नहीं है अभी, एनएसजी की टीम मालूम हुआ है 17 तारीख को आने वाली है, वो आएगी और राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या की चारों तरफ की स्थिति का अवलोकन करेगी। उसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है उसकी समीक्षा करेगी। उसके बाद में फिर अपनी रिपोर्ट देगी, फिर क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी है वो तय करेगी कि आगे सुरक्षा व्यवस्था का कोई अगर सुधार की जरूरत है या एनएसजी की जरूरत है तो उसके बारे में केंद्र सरकार निर्णय लेगी। भगवान रामलला के नगरी की सुरक्षा और भी सख्त होने जा रही है। भगवान राम की नगरी में अब एनएसजी कमांडो की तैनाती की जाएगी और सूत्रों की माने तो 17 तारीख को एनएसजी कमांडो की एक यूनिट अयोध्या पहुंच रही है, जो रामलला के साथ साथ अयोध्या के आसपास की सुरक्षा का जायजा लेगी। उसके बाद समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि अयोध्या में रामलला के मंदिर बनने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है और ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं और भी चाक चौबंद कर दी गई हैं। फिलहाल अयोध्या की सुरक्षा में आरपीएफ, सीआरपीएफ और इसके साथ पीएससी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के नवगठित सुरक्षा दस्ता एसएसएफ की तैनाती है। अब रामनगरी की सुरक्षा एनएसजी के हाथ में होगी। ऐसे में संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक उत्साह भी है कि अयोध्या की सुरक्षा भी सख्त होगी और यहाँ सहूलियतें भी मिलेंगी। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमित गोस्वामी। गुना में कार्यक्रम के दौरान नेताजी का अजब गजब बयान सामने आया। कॉलेज के कार्यक्रम में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने छात्रों को गजब का ज्ञान दिया है। माननीय ने कहा कि डिग्री से कुछ नहीं होगा, जीवन यापन करना है तो पंचर की दुकान खोलो, कम से कम जिंदगी तो चल पाएगी। ये अजब और गजब बयान के बाद अब विधायक पन्नालाल शाक्य चर्चाओं में आ चुके हैं। डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। नेताजी की छात्रों को गजब सलाह, कॉलेज की डिग्री से कुछ नहीं होगा। ये कार्यक्रम की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, पंचर की दुकान खोल लो, मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। पंचर की दुकान से चलेगी जिंदगी, ये बयान गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन के समारोह के दौरान ये बात विधायक ने कही। ये कार्यक्रम की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोलने में जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। डिग्री से कुछ नहीं होगा, ये कहना है विधायक जी का। कॉलेज में पढ़ाई करो, डिग्री लो और फिर पंचर की दुकान खोल लो, ये कैसा ज्ञान है? अगर पंचर की दुकान ही खोलनी है तो पढ़ाई क्यों, लाखों रुपए क्यों खर्च किया जाए, सीधा पंचर की दुकान ही खोल ली जाए। केवल एक बोर्ड वाल से पकड़ लेना, केवल एक बोर्ड वाल से पकड़ लेना, ये कार्यक्रम की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। कार्यक्रम की डिग्री लेने के बाद पेड़ लगाने का आप प्रण रखते हो तो हजारों पेड़ खुद लगाओ, खुद उनको सूचित करो। विधायक का ये बयान और ज्ञान अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। उधर अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के बयान पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुल चुका है। पुख्ता इंतजामों के बीच रत्न भंडार खोला गया, खजाना बाहर निकाला जा रहा है और इस खजाने और मंदिर के कमरों से जुड़े ऐसे कई राज सामने आ रहे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पुरी
पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुल चुका है। 46 साल बाद फिर से उन दरवाजों को खोल दिया गया जिसके पीछे रखा था बेशकीमती खजाना। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार और खजाने की रक्षा सांप करते हैं और रत्न भंडार से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। सांपों की बात को लेकर प्रशासन की टीम भी अलर्ट थी। जिस वक्त खजाने के कमरों को खोला जा रहा था तो मौके पर सांप पकड़ने वालों की टीम भी मौजूद थी ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंदर कोई सांप नहीं मिला। रत्न भंडार के दो कमरे हैं, भीतर भंडार और बाहरी भंडार। बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने से बने मुकुट, सोने के तीन हार हैं, जिनमें से हर का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने से बने श्रीभुजा और श्री पयार का भी जिक्र किया गया है। जो खजाना भीतर यानी कि अंदर के कक्ष में था उसमें करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से हर का वजन 100 तोले से ज्यादा है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें हैं। इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। इस खजाने को रखने के लिए सागवान की लकड़ी के बने 6 संदूक मंदिर में लाए गए हैं। इन संदूकों की खास बात यह है कि इनमें अंदर की ओर पीतल की परत लगाई गई है ताकि खजाने को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ मिले खजाने की गिनती की जाएगी। हम आपको बताते हैं कि इस बेशकीमती खजाने की सूची कैसे बनाई जाएगी। सबसे पहले संदूकों में रखे सारे सामान गिने जाएंगे, फिर उनका वजन तौला जाएगा ताकि इनकी कीमत का सही सही अंदाजा लगाया जा सके। फिर एक एक्सपर्ट की टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि खजाने के सामान को कब बनाया गया था, इनके निर्माण का वक्त क्या था। इसके बाद ज्वेलर्स खजाने की वैल्यूएशन करेंगे। इस सारे सामान की डिजिटल लिस्ट भी तैयार की जाएगी, यानी खजाने को लेकर ऐसे कई राज हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बच्चों में मोटापे, बढ़ते मोटापे को लेकर कई हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो बता रही है कि देश में करीब 9% बच्चे मोटापे का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत में बच्चों को लेकर हर माता पिता को अलर्ट करने वाली रिपोर्ट आई है। बताया जा रहा है भारत का हर तीसरा बच्चा मोटापे का शिकार है। 2003 से 2023 तक 21 अलग अलग स्टडी की गई, जिसके मुताबिक देश में करीब 8.4% बच्चे मोटापे की चपेट में हैं, जबकि 12.4% ओवरवेट हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों में मोटापे के आंकड़े अलर्ट करने वाले हैं और माता पिता को बच्चों के खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से ये होता है, क्योंकि गट बैक्टीरिया का खाना है फाइबर। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से फाइबर निकाल दिया गया, उसको खाना नहीं मिला, वो गट को खाने लगा और इसके कारण बच्चे का मूड स्विंग हुआ। बच्चा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी में गया। इसके कारण बच्चे को क्रेविंग हुई और बच्चा हाई शुगर फूड मांगने लगा और उसका नतीजा हुआ मोटापा। देखिए कितना घूमा हुआ है, कितना खतरनाक, आपस में जुड़ा हुआ है। लोग समझते हैं ये एक कॉन्सेप्ट है, ग्लूटेन एंड स्लोथ, मतलब ज्यादा खाते हैं कम चलते हैं इसलिए मोटापा हुआ। कॉन्सेप्ट गलत है। वो खाया क्यों ज्यादा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। खाए इसलिए ज्यादा कि उसका बिहेवियर ऐसा हो गया, गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब, लो सेरोटोनिन, उसको अच्छा ही नहीं लगता है और हर समय वो अच्छा लगने के लिए डोपामिन सर्ज करता है। डोपामिन सर्ज बच्चे शुगर से ले सकते हैं। बच्चों में मोटापा कम करने के लिए क्या करने की जरूरत है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। तो उसके खाने को नेचुरल खाना कर दें, मतलब प्रोसेस्ड फूड बंद करें उसका, बंद से मतलब समझाएं, जागरूक करना है। बच्चे कभी डांटने से नहीं सुधरेंगे, उनको जागरूक करना है कि देखो इस खाने में ये है। देखिए उनका बिहेवियर, बच्चे कैसे, जैसे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने लगे, प्लांट बेस्ड फूड, विटामिन सी, ये बच्चे विटामिन सी मतलब ऑरेंज, मतलब नींबू, इस तरह की चीज़ लेने लगे, वेजिटेबल लेने लगे, फिश वेरी गुड, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अच्छे अंडे लें, ट्रिप्टोफैन मिलेगा जिससे सेरोटोनिन मिलेगा, मूड एलिवेट होगा। अगर ये बच्चे लेने लगे, बच्चे का बिहेवियर अपने आप चेंज होगा, बच्चा ये खाना छोड़ देगा और मोटापा कम हो जाएगा। बच्चों को मोटा नहीं बल्कि हेल्दी बनाने की जरूरत है, लिहाजा बच्चों के खाने पीने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और अब बात दुर्गे